माँ शारदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलखन में मनाया गया गणतंत्र दिवस। माँ शारदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलखन में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कोरोना काल की तीसरी लहर के कारण इस साल कम बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हेमलता कश्यप, सरपंच विशिष्ट अतिथि देवी पांडे, संतोषी कश्यप, माँ शारदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलखन के स्टाफ टुकेश्वर कश्यप, दुर्गेश्वरी कश्यप, उषा महेश्वरी, रवि कश्यप, रोगन, संतोष केवट, रोशन कश्यप और पंचगण उपस्थित थे। भारत माता की पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया गया। इस साल कोविड-19 के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभात फेरी नहीं हुआ, जिसके कारण बच्चों ने नाराजगी जताई। आइए जानते हैं पूरी खबर टीवी इंडिया 18 पर। ब्यूरो चीफ रिंगनी से मेलाराम कश्यप की खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम प्रिया चौहान है और मैं माँ शारदा स्कूल में पढ़ती हूँ। आज रिपब्लिक डे हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। कोविड-19 के चलते हम लोग काफ़ी दिनों तक स्कूल नहीं आ पा रहे थे, लेकिन रिपब्लिक डे के चलते आज हम स्कूल भी आ पाए और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए रिपब्लिक डे को। कोविड-19 के चलते कुछ भी सांस्कृतिक कार्य नहीं हो पाया, तो इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन कोई बात नहीं। और आज 26 जनवरी के दिन हमारे स्कूल में किसी का जन्मदिन भी था, तो हम लोग जन्मदिन भी सेलिब्रेट किए और बहुत इन्जॉय भी किए, पर कोविड-19 के चलते कुछ भी सांस्कृतिक कार्य नहीं हो पाया, इसका हमें काफ़ी दुख है। जी, मेरा नाम तुकेश्वर प्रसाद कश्यप है, जो कि मैं माँ शारदा विद्यालय सलखन का संचालक हूँ। और आज गणतंत्र दिवस जो है हम लोग अच्छे से धूमधाम से मनाए। कुछ बच्चों को बुलाया गया था और बाकी बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच पाए, और बड़े धूमधाम से मनाया गया हमारे विद्यालय द्वारा। वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफ़ी अच्छा रहा। जी, बच्चे के लिए और विद्यालय के लिए यह संदेश दिया गया था कि कोविड-19 के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए विद्यालय में अपना ध्वजारोहण और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होना है, और इसी कार्यक्रम को मनाते हुए हम लोग कुछ बच्चे को, बड़े बच्चों को मास्क वगैरह और करके बुलाए हैं साथ में, ताकि और हमारे विद्यालय का कार्यक्रम संपन्न हो सके।